तो जो है हमने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आपके सिटी में कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें कमेंट करा था। कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगा है और कई जगहों पे पूर्णतः लॉकडाउन है, और मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है। जैसा कि मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर सिटी है वहाँ पे शुक्रवार से सुबह 6 बजे से और क्या कहते हैं सोमवार तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन पूर्णतः लागू हो चुका है। आपको नीचे क्लिप दिख रही होगी, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं केंद्रीय विज्ञान जो अनुसंधान CCRAS का एग्जाम था, LDC UDC, ये आपको दिख रहा होगा नीचे क्लिप, तो वो एग्जाम हो चुका है पोस्टपोन्ड। अब SSC CHSL अपना एग्जाम पोस्टपोन करेगा या नहीं करेगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है बहुत लोगों का कमेंट्स आया उस बेस पे मुझे लगता है वैसे SSC को अपना एग्जाम अब पोस्टपोन कर भी सकता है, नहीं भी लेकिन करना नहीं चाहिए। पिछली बार भी 1 साल बच्चों की खराब हो चुकी है ऑलरेडी इसी लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि अगर देखा जाए तो जहां जहां मोदी जी जा रहे हैं रैलियां करने वहां कोई भी कोरोना नहीं आ रहा है, ना लॉकडाउन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जहां बच्चों को एग्जाम्स देने हैं तो वहां आप लॉकडाउन लगा देते हैं। अब पता नहीं गवर्नमेंट इसमें अपनी कमियां छुपा रही है या क्या करना चाह रही है, पता नहीं, कह नहीं सकते कुछ। लेकिन बहुत लोगों की बात भी सही है, उनकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी, कुछ लोग का जो लास्ट अटेम्प्ट होगा तो उन लोगों को फिर आप क्या चांस देंगे दोबारा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, जो है पिछली साल 1 साल खराब हो गई थी, तो इस साल ये खराब ना हो इसलिए वैसे एग्जाम्स तो करा लेने चाहिए। अब लेकिन उसके बाद क्या होता है गवर्नमेंट की मर्जी है जहाँ तक है। अगर मरीजेस ऐसे ही बढ़ रहे हैं और हर जगह अगर जैसे लॉकडाउन लगा दिया गया तो फिर एग्जाम उससे पोस्टपोन ही करना पड़ेगा, अधिकतर एग्जाम जो है पोस्टपोन हो रहे हैं। इस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम पोस्टपोन होना हो जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर ही देना चाहिए, गवर्नमेंट गलत कर रही है। तो भाई आप लोग जो लोग भी ये कह रहे हैं कि नहीं अब मैं गलत कह रहा हूँ, तो भाई मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सभी लोगों की बात भी समझ रहा हूँ कि किसी की साल बर्बाद हो रही है, पिछली बार भी ऐसा ही हो गया था, लोग बाग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि जो है अब कुछ जगह पे ऐसा है पूर्णतः लॉकडाउन हो गया है तो वो कैसे एग्जाम देने जाएंगे, उन लोगों की भी आपको सोचनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फॉर्म भी रिजेक्ट हो गए हैं, तो भाई सब हर किसी की बात सोच के मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग इसमें मतलब हेट मत फैलाइए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी चाहता हूँ एग्जाम्स हो जाए, अगर होगा तो इससे है 1 साल बर्बाद नहीं होगी किसी की, क्योंकि और अगर एग्जाम CHSL का पोस्टपोन होता है तो आगे चल के CGL का भी हो जाएगा पोस्टपोन, MTS का भी आगे बढ़ेगी डेट, क्योंकि अगर एक एग्जाम पोस्टपोन करते हैं तो पूरा कैलेंडर आगे उन्हें खिसकाना पड़ता है। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या होता है। स्टेनो का जरूर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन CHSL का भी कोई अपडेट नहीं है। स्टेनो का तो बहुत पहले ही हो गया था, टू बी नोटिफाइड है वो, अभी तो कुछ उसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लेकिन इसको पोस्टपोन करेंगे अगर ये, तो CGL MTS भी आगे बढ़ जाएगा, तो शायद जहाँ तक है अब देखिए क्या होता है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कुछ एग्जाम कराने के बाद फिर आगे बढ़ा दिया, तो इससे साल भी बर्बाद हो जाती है। तो भाई आप लोग प्लीज़ हेट ना फैलाएं, ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ और उन लोगों की भी जिनके जहाँ पर लॉकडाउन लग गया है तो उन्हें भी लग रहा है। अब पता नहीं यार जहाँ जहाँ रैलियाँ होती हैं वहाँ लॉकडाउन क्यों नहीं लगता है, तो यार अब इसे आप क्या कहें, अब मेन टॉपिक है क्या होगा आगे, तो भाई प्लीज़ हेट मत फैलाओ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सबकी बातें समझ में आती हैं भाई। और अब देखिए आगे इसमें मुझे तो करना नहीं है कि मैं लॉकडाउन कर दूं या नहीं करूं, मुझे करना होता तो फिर मैं आप लोगों से पूछ के डिसीजन लेता, ही तो गवर्नमेंट की डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है देखना होगा। अगर आप लोगों को थोड़ी भी बात सही लगी हो तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे जैसे ही कोई भी अपडेट आता है ना भाई हाल बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।